इंग्लिश लेसन ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड लेसन नंबर टू डे ड्रीमर्स डे मतलब होता है दिन ड्रीमर मतलब सपना मतलब दिन में सपने देखने वाला डे ड्रीमर मीन्स दिन में जागते हुए सपने देखने वाला Here we start. Once there lived a couple स्टार्ट वंस a लिव अ time in आइडल टॉक कपल मतलब होता है जोड़ा शादीशुदा जोड़ा वंस देयर लिव मतलब एक समय की बात है जब एक जोड़ा रहता है शादीशुदा स्पेंट स्पेंट मतलब व्यतीत करना लॉट ऑफ टाइम इन आइडल टॉक मतलब वो ज्यादातर समय अपने आइडल टॉक में बिताता था आइडल मतलब होता आलस या नकारा नकारा विचार जो आलसी विचार उसमें अपना ज्यादातर समय बिताता था फिर वन डे दसबेंड सेट एक दिन पति ने कहा आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप काउस मतलब मैं हमेशा चाहता था कि मैं गाय रखू काउ मतलब गाय पालो इफ बाई चांस अगर कभी अगर कभी आई गेट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर अगर कभी कहीं से मुझे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा अतिरिक्त एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा या अतिरिक्त अगर कहीं से आमदनी मुझे हो going आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू मतलब कुछ Few मतलब कुछ बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क अगर हम गाय लेते हैं कुछ काउस लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा ज्यादा का काम हो जाएगा यू हैव टू फीड द काउस फीड मतलब खिलाना खाना खिलाना अगर हम गाय लेते हैं तो आप उन्हें फीड करना पड़ेगा वॉक them, उन्हें चराने ले जाना पड़ेगा वॉक them मतलब चराना चराना पड़ेगा बाथ them, उन्हें नहलाना पड़ेगा मिल्क them, उनका दूध निकालना पड़ेगा काउस नीड अ लुक लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर मतलब गाय जो होती है उन्हें ज्यादा देखभाल करने की जरूरत होती है वन cow वुड बी इनफ मतलब एक ही काव एक ही गाय ज्यादा है पर्याप्त है एक ही गाय पर्याप्त है एक ही गाय पर्याप्त है देअर्स नो नीड टू more काउस सेट द वाइफ बीबी ने कहा कि ज्यादा गाय खरीदने की बाय मतलब खरीदना खरीदने की जरूरत नहीं है बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इट गेट इफ वी बाय मोर सेट द husband. पर पति ने कहा लेकिन सोचो थिंक मतलब सोचना लेकिन सोचो कि ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ वी बाय अगर हम गाय ज्यादा खरीदते तो गाय का पूरा मिल्क हमें यूज करने को मिलेगा दैट्स ट्रू द वाइफ एग्रीट मतलब बीवी राजी हुई सहमत हुई बीवी ने सहमति दर्शाई कि यह तो सच है देर विल बी

मक्खन भी हो जाएगा और घी भी हो जाएगा वुडंट इट बी लवली क्या ये अच्छा नहीं है हाउ लकी दैट आई है साइट मतलब मैं कितनी लकी हूं नसीब मैं कितनी नसीबवान हूं तकदीर वाली या तकदीर वाला मैं कितना तकदीर वाला हूं दैट आई मतलब मिट्टी के मटके है ना ठंडे पानी के घड़े वगैरह होते हैं ना मटके वो मिट्टी के बने हुए तो इसलिए उसे कहते हैं अर्थन पॉट मिट्टी से बने होते आई विल यूज वन ऑफ द पॉट फॉर मिल्क मैं उसमें से एक पॉट जो है वो किस लिए यूज करूंगा दूध के लिए वन फॉर दही एंड वन फॉर बटर एक दूध के लिए एक दही के लिए और एक मक्खन के लिए द घी आई विल पुट इन अनदर जार और उसमें से जो घी निकलेगा वो मैं अनदर जार में अनदर दूसरे मटके में डालूंगी एंड आई विल यूज दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर और मैं ये जो बाकी के है रिमेनिंग मतलब बाकी के जो मटके हैं उन्हें क्या करूंगा उसमें दूध भरकर अपने सिस्टर की यहां भेज दूंगा सेंड मिल्क टू योर सिस्टर हु सेड यू सिस्टर पति ने कहा कि यू विल सेंड मिल्क टू योर सिस्टर मतलब अपने सिस्टर के पास दूध भेजोगी तो तुम्हें किसने कहा कि, तुम अपने sister को दे सकती हो देर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ यू हैव सो मेनी काउ वाई शुडन आई सेंड इट टू माई सिस्टर मतलब अगर हम बहुत सारे गाय खरीदेंगे तो हमारे पास बहुत दूध होगा बहुत ज्यादा दूध होगा तो मैं अपने सिस्टर के पास कुछ दूध भेज दूंगी बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट टू इन द मार्केट क्योंकि हम उस दूध को बेचने वाले सेल मतलब बेचना कहा मार्केट में मतलब बाजार में दैट्स वाय इसलिए आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क और मैं वो डिसाइड करूंगा मैं उसका निर्णय लूंगा डिसाइड मतलब निर्णय लेना निर्णय करना कि वो मूल दूध का क्या करना है एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर रिमेंबर और उसकी एक बूंद भी ड्रॉप मतलब बूंद और उसकी एक बूंद भी तुम्हारे सिस्टर के घर नहीं जाएगी याद रखना रिमेंबर मतलब याद रखना आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर मैं देख लूंगी कि तुम मुझे कैसे स्टॉप करोगे कैसे रोकोगे स्टॉप मतलब रोकना कैसे रोकोगे किसे कि मैं अपने घर बहन के घर दूध भेज रही हूं तो तुम मुझे कैसे रोक सकते हो मैं भी देख लूंगी आई विल ऑल्सो सी हाउ यू आर गोइंग टू स्टॉप मी आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउज सो नेचुरली मतलब मैं पूरा काम करता हूं हार्ड मतलब कठिन मेहनती वाला मेहनत वाला पूरा काम मैं करता हूं रनिंग आफ्टर काउज और गाय के पीछे भी रहता हूं हर समय सो so नेचुरली तो स्वाभाविक है नेचुरली मतलब क्या होता है स्वाभाविक या बेशक तो बेशक आई विल डिसाइड वॉट हैपन तो मैं निर्णय लूंगा कि क्या होना चाहिए टू द मिल्क दूध का क्या करना है वो मैं ही डिसाइड करूंगा जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी द वाइफ एक्सक्लेम जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी मतलब मुझे रोकने की हिम्मत तो करो ऐसा किसने कहा पत्नी ने कहा एक्सक्लेम मतलब कहना इज दैट सो क्या यही है यही सच है शाउटेड द हसबेंड हसबेंड ने कहा क्या ऐसा है वॉच दिस देन तो देखो अब मैं क्या करता हूं ही बिगेन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्थन पॉट वन बाय वन ही बिगेन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्थन पॉट वन बाय वन वाइफ बिगेन टू स्क्रीम जैसे ही पति एक एक मटके उठाकर फोड़ने लगा तो उसकी बीवी क्या स्क्रीम हुई स्क्रीम मतलब चिल्लाने लगी क्योंकि वो मटके फोड़ रहा था इसलिए वो चिल्लाने लगी उसके बाद गोपाल भंड हु बाय गोपाल नाम का एक व्यक्ति था जो रास्ते से गुजर रहा था पासिंग बाय मतलब रास्ते से गुजर रहा था हर्ड ऑल द कमर्शन उसने पूरा हंगामा सुना कमर्शन मतलब क्या होता है हंगामा एंड रस्ट इन और वो अंदर चला गया घर के अंदर चला गया वेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपन जब उसने पूरी बातें सुनी कि क्या हुआ है ही पिक स्टाउट स्टिक उसने उठाया क्या एक स्टाउट स्टाउट मतलब मोटी या तगड़ी मोटा लकड़ा या मोटी लकड़ी उसने उठाई स्टिक मतलब लकड़ी दैट स्टूड इन अनर एंड बिगैन टू स्विश वो लकड़ी लेकर वो कोने में खड़ा रहा कॉर्नर मतलब कोना एक कोने में खड़ा रहा एंड बिगैन टू स्विश एंड बिगेन टू स्विश स्विश मतलब होता है सरहाना सर सरहना इट थ्रू द एयर हवा में वो घुमाने लगा लकड़ी को इधर उधर थ्रू द air एंड पाउंड इट ऑन द फ्लोर और जमीन पे पटकने लगा पाउंड मतलब धड़कना जमीन पे वो पटकने लगा फ्लोर मतलब जमीन the husband and wife were both astounded to see his antic astounded to see his antic astounded मतलब होता आश्चर्यपूर्ण आश्चर्यपूर्ण यानी हैरान हो गए उसका ये बिहेवियर देखकर वो लकड़ी लेकर इधर-उधर हवा में उड़ा रहा है और जमीन पे पटक रहा है और antic मतलब मजा किया मतलब मजाक कर रहा है मजाक किया हरकत मतलब कुछ तो भी कार्टून बना कर रहा है कुछ तो भी मजाक कर रहा है है ना वो लकड़ी के साथ वॉट आर यू डूइंग उन्होंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग दे एनक्वा उन्होंने उससे क्वेश्चन किया कि आप क्या कर रहे हो व्हाट आर यू डूइंग मूव अ साइड गोपाल भंड गोपाल भंड ने कहा कि बाजू हो जाओ मूव अ साइड मतलब बाजू हो जाओ आई हैव टू ड्राइव away योर ग्रीडी काउस मुझे तुम्हारी गाय ग्रीडी मतलब क्या होता है ग्रीडी का मतलब होता है लालची मुझे तुम्हारी गाय लालची गाय चराने पड़ती है ड्राइव मतलब चराना है ना चलाना चराना यू हैव लेट देम नाउ दे है तुमने उन्हें भटकने छोड़ दिया वंडर मतलब भटकना वंडर मतलब तुमने उन्हें अपने गाय को भटकने छोड़ दिया एंड नाव और अभी they have ruined. मतलब होता है बर्बाद कर दिया उजाड़ना उन्होंने मेरा पूरा खेत माई फील्ड मतलब मेरा खेत मेरा खेत उजाड़ दिया जिसमें बीन्स लगे थे बीन्स मतलब होता है फल्ली और कुकुम्बर मतलब होता है ककड़ी तो मेरे खेत में जो बीन्स और ककड़ी लगी हुई थी तुम्हारे ये गाय ने उसे पूरा बर्बाद कर दिया है। लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड एक्सक्लेम कर रहा है कि मेरे जो फील्ड थी मेरी जो जमीन थी कितनी अच्छी थी कितने अच्छे फल्ली और ककड़ी उसमें उगी हुई थी और तुम्हारे गाय के वजह से वो पूरा ही नष्ट हो गया है बर्बाद हो गया है बट यू डोंट हैव टू बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन एंड कुकुम्बर सेट द हजबेंड और वो पति क्या कहता है लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जमीन नहीं है जिसमें तुमने फली लगाया और कुकुम्बर लगाया मतलब ककड़ी लगायाज यू सेट दोपाल भंड स्टॉप विल्डिंग द स्टीक एंड लुकड एट हिम विथ रेस्ड आईब्रो एज सुन एज जैसे ही उसने कहा कि तुम्हारी खेत नहीं है तो गोपाल भंड स्टॉप हो गया रुक गया वेल्डिंग मतलब क्या होता है वेल्डिंग का मतलब होता है चलाना स्टॉप वो लकड़ी चलाना जैसे वो गाय बैल को हाक रहा है वो उसने बंद कर दिया और उसने देखा किसके तरफ उस हस्बैंड के तरफ बाय तो रेज्ड आईब्रो आंखें उठाकर आंखें बड़ी कर रेज कर. मतलब उठाना और आईब्रो मतलब अपने भोवे होते हैं जो आपको के ऊपर जो ब्लैक कलर के बाल रहते उनको बोलते आई ब्रोस वो बड़े कर कर देखने लगा द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड अब पति पत्नी को समझ में आ गया कि क्या है वॉट ही वॉज ट्राइंग टू टेल मतलब वो क्या कहना चाहता था ये उस पति पत्नी को समझ में आया कैन यू टेल वॉट हैपन टू से मतलब आप पता लग कर सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा उसने क्या कहा होगा तो हियर वी एंड द लेसन नाओ हेयर इज अयर वॉज अ लेसन ऑफ डे ड्रीमर दिन में सपने देखना दो हजब वाइफ रहते हैं उनको दिन भर काम नहीं रहता है तो वे क्या रहते फालतू की बातें करते रहते हैं और ऐसे ही सपनों में उन्होंने इमेजिन किया कि हम गाय पालेंगे गाय के बाद ऐसा होगा दूध होगी दही होगी फिर उन्होंने झगड़ा चालू कर दिया तो दैट वॉज नथिंग रियल वो कुछ सच्चाई नहीं थी तो कुछ लोग ऐसे होते कि जिनके पास काम नहीं रहता तो कुछ भी सोचते रहते वीच हैज नो यूज वट द राइटर वॉन्ट टू टेल हियर इज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड यूज योर टाइम इन अ प्रॉपर मैनर अपने समय को बर्बाद मत करिए उसे सही समय पर इस्तेमाल करिए नहीं तो ऐसे ये डे ड्रीमर बन जाओगे दिन में सपने देखने वाले और कुछ भी फालतू का सोचते रहोगे तो डियर स्टूडेंट आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड टूडे लेसन सो इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं फिर से नए वीडियो में थैंक यू